दोस्तों, मैं हूँ दिव्या कश्यप। मेरे YouTube चैनल DK865 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या है सोच सकते हो? अरे आप तो देख लिए, मेरे हाथ पे कलर्स हैं। तो मैं आज कुछ कलर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कौन से कलर को मिलाकर आप कौन सा कलर बना सकते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि सारे कलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट पे, तो हम कभी भी अपने कलर्स को यूज़ करते हम जो कलर बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि कौन सा कलर मिक्स करके कौन सा कलर बनने वाला है, और जो अभी न्यू जो कलर्स हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनको भी बताऊँगी कि वो कैसे बनते हैं और कौन सा कलर मिक्स करने पर बनता है। और साथ में मैं सारे कलर्स के नेम भी बताते जाऊंगी ताकि आपको बाद में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे तो हुई थी। क्योंकि अभी जो बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं हमारे मार्केट में, बहुत सारी नई नई कलर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, तो हमको उनके कलर्स के नेम नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड मेरे DK865 चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कलर से खेलना। तो आप यहाँ देखेंगे मेरे पास कुछ 4-5 कलर हैं जो कि कॉमन कलर हैं। तो ये जो है वो हमें हर जगह इजीली अवेलेबल होता है, और मैं जो आज कलर बनाने वाली हूँ वो इन्हीं सारे कलर्स में मिक्स करके बनाने वाली हूँ। तो फिर हम पूरा वीडियो देखिएगा और मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं लूँगी रेड कलर। रेड कलर में हम मिक्स करेंगे येल्लो कलर को। तो जब हम रेड में येल्लो कलर मिक्स करेंगे तब हमारा यहाँ बनेगा ऑरेंज कलर। आपको अगर जितना ज़्यादा लाइट ऑरेंज कलर चाहिए उतना ज़्यादा आप इसमें येल्लो मिक्स कर सकते हैं, और अगर डार्क ऑरेंज कलर चाहिए तो उतना ज़्यादा आप रेड मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे येल्लो कलर और उसमें मिक्स करेंगे डार्क ब्लू कलर। तो यहाँ पर येल्लो और डार्क ब्लू को मिक्स करने पर हमारा जो बनता है वो है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर जो है वो जितना ज़्यादा आप इसमें डार्क ब्लू कलर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये डार्क ग्रीन कलर बनेगा, और जितना ज़्यादा आप येलो यूज़ करेंगे तब उतना ज़्यादा ये आपका लाइट ग्रीन कलर बनेगा। तो अब हम यहाँ पर ब्लू कलर लेंगे, और हम ब्लू कलर में हम यहाँ पर रेड कलर मिक्स करेंगे। जब हम ब्लू कलर में रेड कलर मिक्स करते हैं तब ये हमारा बनता है पर्पल। हम इसमें जितना ज़्यादा जो ब्लू कलर है उसको मिक्स करेंगे वो उतना ज़्यादा डार्क होगा, और इसमें हम क्या बोलते हैं थोड़ा सा वाइट मिक्स कर देंगे तब ये लाइट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा पर्पल कलर बना है हमारा। अब हम रेड कलर में ग्रीन कलर मिक्स करेंगे। रेड कलर में ग्रीन कलर मिक्स करेंगे तो जब रेड कलर में ग्रीन कलर मिक्स करते हैं तब यहाँ पर बनता है ब्राउन कलर। और जितना ज़्यादा हम इसमें रेड मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा ये डार्क होता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम वाइट कलर में मिक्स करेंगे रेड कलर। तो जब हम वाइट कलर में रेड कलर मिक्स करते हैं तब यहाँ पर बनता है हमारा पिंक कलर। जितना ज़्यादा इसमें हम रेड कलर यूज़ करते जाएंगे उतना डार्क कलर, डार्क पिंक हमको मिलता जाएगा। इसके बाद हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे, और ब्लैक में हम मिक्स करेंगे वाइट कलर। तो जब हम ब्लैक में वाइट कलर मिक्स करेंगे तब हमारा बनता है ग्रे कलर। ब्लैक कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, तो हमको ब्लैक बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ करना है ना। तो यहाँ पर हमको मिलेगा ग्रे कलर। तो अब हम यहाँ पर लेंगे लाइट ग्रीन कलर, और इसमें हम मिक्स करेंगे ब्लू कलर। तो जब हम लाइट ग्रीन और ब्लू मिक्स करते हैं तब हम यहाँ पर हमारा जो बनता है वो है TL ब्लू कलर, ठीक
जो कि आजकल बहुत चलता है, और ये जो है वो ग्रीन एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस वीडियो में इतने ही कलर के बारे में बताई हूँ, अगले वीडियो में मैं और भी कलर के बारे में बताऊँगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।